लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गीता भैया, अंजलि। अस्य श्री पाणिग्रहं संस्कारः करिष्ये। ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार। क्या भाई, क्या मास्टर, बैंड का बंद कर दी? अबे दिल वाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने के लिए, बजाओ। बजाओ सालो। वर और वधु के गांठ बंधवाइए और वर को बोलिए वधु से अलग हो जाइए, वधु को ले जाने उसके साधन आए हैं। क्यों आए हो यहाँ, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? वचन, वचन दिए थे ना तुम्हें कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से ले जाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हट जा बुड़ो। दादाजी, अरे हत्या का पाप चढ़ा रहा है। छोड़ो से, छोड़ो। ओए, माला जपे हम, पर माला डालोगे तुम, रात में आओ क्या? छोड़ो, चलो छोड़ो हमारा हाथ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। कोई साला बीच में आया तो इधर ही जलियां वाला बाग बना देंगे। छोड़ो हमें दादाजी। आओ रानी, आओ। छोड़ो, छोड़ो। अरे देखो भैया, देखो कौन आए हैं। आप सबकी फरमाइश पे बदरिया थाने से चुलबुल पांडे, सुपर कॉप। टिंग टोंग। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन है? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे जैसे जो थानेदार है ना, वो हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं ऐसे ऐसे करके। लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठीक ढंग से नहीं समझा। गलती हमरी है, हमरी है। हम थोड़ा नरमी से पेश आए उनसे। जब लगाते ना दो चार लप्पड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुम तक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे यार, वो बेचारे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। तुम काहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? पांडे, लौंडिया तो हम लेकर जाएंगे और तुम्हारे सामने लेकर जाएंगे। अब दबा दें घोड़ा। करते हो यार गेंदा, हमारे बाप को लपड़ मारोगे, लड़की को मंडप से उठा ले जाओगे। थाना है, पुलिस है, हम हैं, क्या प्राप्त हुआ? शादी मुबारक हो। धन्यवाद। आते हैं। अब यही रुकते हैं। पापा, दो दिन से मुंह फुला के बैठे हो और घबराहट से हमारा दिल बौरा गया है। हमारे सामने किसी लड़की को मंडप से उठा लेते, क्या आपको अच्छा लगता? पापा, आपको दुख पहुंचाकर कोई खुशी नहीं मिलती हमें, लेकिन पुलिस की नौकरी करते वक्त आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप कहेंगे तो हम ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। आते हैं।
अग्नि रजायत आयुनः रह सोम्यासो अग्निस्पाकाः पथिर्देव्यानैः अस्मिन् यज्ञास्वदया मदन्तोऽधि प्रवन्तो एवं पश्मानो जं वहन्ति ऋतं कम्भ्याः ये क्या हो रहा है माथुर साहब? अच्छा भैया क्या हो रहा है ये? जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है उसे पुलिस कार्रवाई नहीं गुंडागर्दी कहते हैं, गुंडागर्दी। अरे अगर कोई क्राइम करता है, कानून को नुकसान पहुंचाता है तो गिरफ्तार करो उसे। कोर्ट कचहरी बैठी है सजा देने के लिए, आप ही सजा देंगे, उसे मार देंगे। हत्या हुई है मेरे भाई की और इसका हिसाब होगा। होगा बच्चा भाई होगा। मैं आपकी बात को गलत कह रहा हूँ? और ये जो घटना हुई है इसके बारे में चर्चा करूंगा बड़े अधिकारी से, इसकी जांच होगी। अरे जांच पड़ताल की फरियाद लेकर नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। अब तो आर पार की लड़ाई होगी ये बताने आया हूं मैं यहाँ पर। अब पांडे को ये पता चलेगा कि ये लालगंज नहीं कानपुर है और मैं छेदी नहीं हूं, बच्चा सिंह हूं, बच्चा सिंह। बस चलो बच्चा भैया। सुना है जिसका नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, मगर हम जब जिसका नाम ले और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया है और दिन हम गिने। बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि तुम्हारा ट्रांसफर कानपुर नहीं होना चाहिए था। एक सस्ता सा सरकारी आइडिया दे तुम्हें, यह ख्याल दिमाग से निकाल दो। हमारे दिमाग में यह ख्याल आए ना आए, तुम्हें अफसोस जरूर होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों हुआ। पापा खाना खा लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है प्रभा जी, जो चुलबुल पांडे के बारे में कुछ कहना चाहती है। जी प्रभा जी बोलिए। सारी रोटियां खा लीजिएगा, आजकल आप कम खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू जा दो चार रोटियां और ले आ। अभी लाए। एक बात बताइए, आप कुछ काम काज करते भी है कि नहीं? सोते ही नहीं? दुनिया की हर पत्नी को यह एतराज होता है कि उनके पति थक के सो जाते हैं, और आप एक ऐसी पत्नी हो कि उसको यह एतराज है कि उनके पति कभी सोते नहीं। सुधर जाइए पांडे जी, अब आप बाप बनने वाले हैं। और नहीं सुधरे तो हम मायके चले जाएंगे बाबा के पास। जिस पिता ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी त्याग दी, उसके एहसान तुम्हें आंसुओं से चुकाओगे? कमाल करती हो यार मिसेस पांडे। जारी रखे और एक महीने बाद दोबारा चेकअप के लिए आइएगा। मिस्टर पांडे अब आपको इनका ख्याल रखने की जरूरत है। ख्याल से हमें याद आया, आप हमारे पर्सनल फ्रेंड और डॉक्टर होने के नाते हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं। पूछे। खैर कब तक? 7 महीने तक। और कुछ पूछना है आपको? आर यू श्योर? ओके तसल्ली,
चलें, जबरन में हम टेंस हो रहे थे। चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, चलते हैं। ओके मिस्टर बाली। इतने कस के पकड़ा, ठंड लग रही है, गिर जाओगी। डॉक्टर ने क्या कहा? गुड न्यूज ये है, घर चलो बताते हैं। हाँ सर। नमस्ते माथुर साहब। खुश रहो बेटा, तुमसे एक मिनट बात करनी थी। कहिए सर। चुलबुल, तुम्हारे ट्रांसफर की अर्जी लगा दी है हमने। कहे? देखो बच्चा भैया, जैसे कुत्तों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक नंबर के कमीने और घिनौने इंसान हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आगा पीछा नहीं सोचते। तुम ठहरे परिवार वाले, पिता हैं, भाई हैं, और अब तो तुम खुद बाप बनने वाले हो। सोचो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन बेचारों का क्या होगा, समझ रहे हो कि नहीं? शुक्रिया, सोचेंगे। देख, टाइम पे दवा खा रहा हूं। पापा आ गया चुलबुल। हाँ पापा। पापा जरा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, प्लीज साइन कर दीजिए। ये क्या है चुलबुल? करो तो सही पापा। यह है क्या? पापा वो हमने हमारा बीमा कराया। क्या बीमा कराया है? हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस? हाँ पापा, और आपको नॉमिनी बनाए। अरे बेटा ये तुझे क्या सोच रहा है? पुलिस की नौकरी करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा ऐसे क्यों सोच रहा है? हमारी फिक्र करना बंद कर, हमें अपनी कमजोरी मत समझ। तेरे बाप में आज भी इतनी ताकत है कि बच्चा बच्चा जैसे 100 को तो मैं अकेला लपेट लूं। पापा कुछ ज्यादा नहीं कह दिए? अब जो बोल दिए तो ठीक है, कुछ बच गए तो एक आध से तू निपट लेना। ये सीन अगर माँ ने देख लिया होता तो मजा ही आ गया होता। आपको कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा संभाल के बात करनी चाहिए। आखिर ये लोग दिन रात हमारे लिए काम करते हैं तो हमसे कुछ उम्मीद भी रखते हैं। बच्चा सिंह राजनीतिक जीवन में सुख दुख किनारे रख के सोचना पड़ता है। अच्छा, भाई की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और हम यहाँ बैठक में भाग लेने चले आए और क्या करें? और वो साला चुच्चा कार्यकर्ता पांडे का गुणगान कर रहा था। बच्चा सिंह तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सत्ता के गलियारे में तुम्हारे लिए रेड कार्पेट बिछ रहा है। बोई हुई फसल काटने के दिन आ गए तुम्हारे, इस समय संभालो खुद को। तो क्या करें? मीडिया को बुलाकर पांडे की कार्रवाई की प्रशंसा करें और अपने उस भाई को लुच्चा लफंगा कमीना बताएं और ये बोलें कि जो कुछ उसने शर्मनाक काम किया है उसके साथ यही होना चाहिए था। ये बोलें, यही बोलो मीडिया के सामने, यही बोलो। मैं इस घटना में पुलिस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर कोई गुंडा एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका हाल यही होना चाहिए था, फिर भले ही वो किसी एमपी और एमएलए और सीएम का बेटा हो। वो मेरा भाई था, ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब आप पांडे जी को सही ठहरा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं पांडे को इस कार्रवाई के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप ये बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं दे रहे हैं? साले थोड़ी सी इज्जत देकर दो बातें का कर ली सर पे चढ़ के भूखा। बचा भैया। हाँ, राजनीतिक फायदा नहीं है ये मेरा, अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूँ। धन्यवाद, चाहिए। पांडे, कुछ दिनों का इंतजार और, एक बार इलेक्शन हो जाए ना उसके बाद तुम्हारे अकाउंट का ठीक से हिसाब होगा। हम आपको एक फ्री फंड की एडवाइस दें,
हम हमारा बीमा करा चुके हैं, आप भी करा लीजिए। आप भी चौबे जी, मरने के बाद भी काम आओगे। जी सर। वैसे जा कहाँ रहे थे? दो कंटाप सर। ये खेल अब हमारी समझ से बाहर हो रहा है। एक मामूली सा थानेदार हमारे भाई को मार देता है और हम उसके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं। अगर राजनीतिक प्रसाद के लिए यही पूजा अर्चना करनी है ना, तो ये हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे और हम कह भी क्या सकते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।